सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, बाघ और बकरी कभी दोस्त नहीं हो सकते, शोषित और शोषक कभी मित्र नहीं हो सकते, और अगर हैं तो प्रकृति के खिलाफ है। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, हक वंचित समाज के लोगों, कमेरा समाज के लोगों और शोषित समाज के लोगों, ये नफरत फैलाने वाले लोग कभी भी आपके मित्र नहीं हो सकते। ये गलत फहमी में आप जरूर हो कि वो मेरे मित्र हैं, वो आपके दोस्त हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनके वैचारिक दुश्मन हैं, आप उनके सत्ता के दुश्मन हैं, आप उनके सांस्कृतिक दुश्मन हैं, और दोनों अलग अलग संस्कृतियों की बहुत बड़ी लड़ाई इस भारत में चल रही है। इसलिए आप ये गलत फहमी कभी मत पालिएगा कि आज भी अगर वो अत्याचार आपके ऊपर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, उन्हें इतिहास पता है कि आपने उन्हें कई बार हराया है, कई बार आप यहाँ के शासक राजा महाराजा रहे हो और उन लोगों ने आपकी मजदूरी की है, वैचारिक दुश्मनी आपकी परंपरागत रही है, इसलिए वो कभी आपके आरक्षण से छेड़छाड़ करते हैं, कभी आपकी मित्रता खत्म करना चाहते हैं, कभी आपकी शिक्षा चौपट कर देते हैं, कभी आपको बेईमानी करके चुनाव हरा देते हैं, कभी आपकी मूछों पर हत्या कर देते हैं, कभी शिक्षा आपकी चौपट कर देते हैं। आए दिन लगातार वो तरह तरह से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हैं। आप हो कि इतिहास की जानकारी नहीं है, आप उनके साथ सटते चले जाते हो, अपनी संस्कृति को भुलाकर, अपने दर्शन को भुलाकर आप दूसरों के गुलाम बन गए हो, दूसरी व्यवस्था को अपनी व्यवस्था आपने बना रखा है, जबकि आपके पास स्वयं की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा दर्शन है। याद रखना, जब तक ये बात आप नहीं समझोगे कि बाघ और बकरी दोस्त नहीं हो सकते, शोषित और शोषक मित्र नहीं हो सकते, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करोगे, तब तक लगातार आपके साथ यूं ही अत्याचार होता रहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये संविधान के खिलाफ है, ये अलग अलग जातियों में बटे समाज को बाबा साहब ने एक वर्ग का नाम दिया था, SC ST। कुछ जालसाज लोग, आपसे नफरत करने वाले लोग, आपको बांटने वाले लोग, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय कराते हैं, जजमेंट कराते हैं, जिससे कि जो बाबा साहब ने वर्ग बनाया था वह वर्ग बट जाए, आपस में दूरियां हो जाएं, और आज आप एक दूसरे के साथ जो सुख दुख में खड़े हो जाते हो, खड़े ना हो और हम बटें, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम साथ साथ रहें, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग ईमानदारी बस से एक साथ बने रहें, वो हमेशा चाहेंगे कि हम आपस में बटें और वो हमारे शासक बनते रहें, क्योंकि हमारा इकट्ठा होना, हमारा मैत्री से रहना, हमारा साथ साथ चलना, हमारी एकता उनके लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो सत्ता पर नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो आपको तरह तरह से बांटेंगे। बहुजन समाज के लोगों, होश में आओ और दोस्त दुश्मन की पहचान करो, बाघ और बकरी कभी दोस्त नहीं हो सकते और शोषित और शोषक कभी मित्र नहीं हो सकते, ये बात समझिए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाबा साहब के आंदोलन से पूरा लाभ लिया और अंत में जाकर के दुश्मनों के तलवे चाट रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करिए। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी सभ्यता को बनाइए, जैसा कि बुद्ध और बाबा साहब का आंदोलन है उसके साथ जुड़िए, तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।